साथियों नमस्कार। साथियों पाकिस्तान में धमाकेदार इलेक्शन खत्म हो गए हैं और उनके नतीजे भी आने लगे हैं। धमाकेदार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्शन से जस्ट दो दिन पहले वहां पर धमाके हुए और इस बात की उम्मीद लग रही थी कि शायद इलेक्शन ठीक से हो नहीं पाएंगे। तो इलेक्शन तो हो गए। वहां की आर्मी ने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहा, इसलिए नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान बुलवाया, उन पर जो केसेस चल रहे थे उनको हटाया और पूरी तरह से इंतजाम कर लिया था कि नवाज शरीफ को ही प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। आर्मी पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट थी। उधर जेल में पड़े हुए इमरान खान कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनकी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है और उनके जो मेंबर्स थे वो इंडिपेंडेंट होकर के लड़े हैं, यानी कि निर्दलीय होकर के लड़े हैं, तो उन्हें उम्मीद थी कि उनके निर्दलीय कैंडिडेट्स कुछ ना कुछ करिश्मा तो करेंगे और उनकी उम्मीद बिल्कुल सही निकल आई। पाकिस्तान की जनता का सपोर्ट इस समय इमरान खान के साथ है। लास्ट ईयर में जब इमरान खान के साथ बर्बरता करने की कोशिश करी गई थी तो जनता सड़कों पर आ गई थी और पाकिस्तान की आर्मी के घरों में घुस गई थी। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ये बात समझ गई थी कि अगर जनता में अपनी पकड़ को मजबूत करना है वापस, तो इमरान खान को जनता से दूर रखो और हो सके तो जेल में डाल दो और इमरान खान की जो पार्टी है उसे खत्म कर दो जितना किया जा सके। और इमरान खान की पार्टी को खत्म किया गया, चुनाव चिन्ह छीन लिया गया, इमरान खान पर इतने केस ला दिए गए कि एक केस से बचेंगे तो दूसरे केस में अंदर जाएंगे। अभी जैसे एक केस में उनको बेल मिल गई है तो दूसरे केस की वजह से जेल में है, तो ऐसे करके इंतजाम कर लिया है कि इमरान खान की शक्ल भी दिखाई ना दे। अभी तक टोटल 253 सीट्स के रिजल्ट्स आ चुके हैं। पाकिस्तान में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो 342 सीट्स हैं, प्लस 60 सीट्स ऐसी हैं जो वुमेन के लिए रिजर्व्ड हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व्ड हैं। लेकिन 342 सीटों में से सिर्फ 253 सीट के ही नतीजे घोषित किए गए हैं और उनमें भी जो इमरान खान की पार्टी के लोग थे जो निर्दलीय होकर के लड़ रहे थे उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें हासिल करी हैं। 253 में से 100 सीटें हासिल करी हैं। 100 सीटें नवाज शरीफ जिस पर आर्मी भरोसा कर रही थी, आर्मी के द्वारा प्लांटेड था उस नवाज शरीफ की पार्टी ने, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन नवाज शरीफ, उसने सिर्फ 71 सीटें जीती हैं। और तीसरे नंबर की पार्टी है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वहां पर बिलावल भुट्टो की पार्टी है जिसने 54 सीटें जीती हैं और उसके अलावा 27-28 सीटें अदर्स लोगों ने जीती हैं। तो यानी कि पार्टी के हिसाब से देखें तो नवाज शरीफ की पार्टी के सबसे ज्यादा एक तरीके से सीट्स हैं, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट्स को सबको मिला लिया जाए तो 100 सीटों पर जीते हैं, 100 सीटों पर। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी के दिमाग में दर्द हो गया है कि आखिर ये हो क्या रहा है और इसलिए रिजल्ट्स पेंडिंग चल रहे हैं। अभी भी जो रिजल्ट कल रात तक घोषित हो जाने चाहिए थे वो अभी तक पूरे घोषित नहीं हो पाए हैं। कई जगह धांधली का आरोप है कि पाकिस्तान की आर्मी जानबूझ के रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रही है, उनमें अदला बदली कर रही है जिससे कि जीत ना पाए। और इतना ही नहीं, नवाज शरीफ ने तो लोगों के बीच में आकर के ये घोषणा भी कर दी कि हमारी पार्टी सबसे ज्यादा सीटों के साथ जीत चुकी है और इस तरीके से अभिवादन किया है जैसे प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे, ये कन्फर्म है। हालांकि इस बात की काफी उम्मीद है कि नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे क्योंकि वहां की आर्मी उनके साथ है और आर्मी कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके उनको प्राइम मिनिस्टर बनवा देगी, या तो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं उनको तोड़ करके नवाज शरीफ को समर्थन दिलवा देगी, या हो सकता है अदर प्लस पीपीपी प्लस नवाज शरीफ की पार्टी तीनों मिलकर के बना ले। लेकिन बनाओगे तो तब जब सब मिलकर के बहुमत का आंकड़ा पार करोगे। इसी बीच इमरान खान ने गेम खेल दिया। इमरान खान ने जेल से एआई के माध्यम से अपना एक वीडियो रिलीज किया और लोगों का शुक्रिया किया उनको समर्थन देने के लिए। दूसरी तरफ इमरान खान के निर्दलीय लोगों में से ही एक नेता है, उनका नाम है जुल्फी बुखारी, इमरान खान के सपोर्टर है। उन्होंने ये कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर हम सभी निर्दलीय लोग मिलकर के एक पार्टी का ऐलान कर देंगे और एक बैनर भी उसका जारी कर देंगे। तो अगर नवाज शरीफ या आर्मी ये सोच रही है कि हमको तोड़ करके अपने में मिला लेगी तो ऐसा कर नहीं पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने 1.5 साल तक संघर्ष किया है, इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इन सब के बीच आपको लग रहा होगा कि ये लोग इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गए और इमरान खान के साथ ये सब हो रहा है, इतने केस लाद दिए गए, नवाज शरीफ को बुला लिया गया, सब कुछ हो गया, पूरी दुनिया में हाहाकार नहीं मच रहा। इंडिया में तो जरा सा कुछ हो जाता है तो हाहाकार मच जाता है, जरा सा कुछ हो जाए इंडिया में पूरा देश दुनिया चलाने लग जाती है, देश तो चलाता ही है हमारा, वहां क्यों नहीं कुछ हो रहा? कारण है, मैं जैसा कि हर वीडियो में उसका नाम ले देता हूं, अभी भी ले दे रहा हूं, कि दुनिया का एक गुंडा है, उसका सपोर्ट है नवाज शरीफ के साथ। वो गुंडा नहीं चाहता कि इमरान खान प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इमरान खान वो व्यक्ति हैं जो चाइना को सपोर्ट करते हैं या चाइना के पक्ष में रहते हैं और अमेरिका का खुलकर के विरोध करते हैं,
इमरान खान ने कुछ साल पहले एक पेपर हवा में लहरा दिया था कि देखो ये साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, ये सरकारी दस्तावेज है, देखो मेरी पार्टी को गिराना चाहते हैं, मुझे जेल में भिजवाना चाहते हैं, अमेरिका की साजिश है, देखो देखो देखो। जब से वो पेपर लहराया है तब से इमरान खान न तो सत्ता में है, न जनता के बीच रह पा रहे हैं, न चैन से जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो पाकिस्तान में वही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा जिसे अमेरिका चाहेगा, आप समझ लीजिए इस बात को। और एक चीज और, आज तक का इतिहास है जब से पाकिस्तान बना है वहां किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा टेन्योर 5 साल का कंप्लीट ही नहीं किया है, एक भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और दूसरी बात, आपको लग रहा होगा कि अगर यूएसए सब कुछ कर रहा है तो चाइना कुछ नहीं कर रहा क्या? चाइना चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी तो दखल दे सकता है, तो चाइना भी दखल दे रहा है, चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना उस हिसाब से दखल नहीं दे सकता, कारण है क्योंकि चाइना का सपोर्ट आर्मी के साथ नहीं है, या आर्मी चाइना के साथ नहीं मिली हुई है, वहां की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी डायरेक्टली यूएसए के साथ मिली हुई है। चुनाव से जस्ट पहले, कुछ समय पहले, आर्मी के जो चीफ है वहां पर, वो यूएसए में कुछ दिन रहकर के आए हैं। क्यों रहकर के आए, क्या बात करके आए, वो ऐसी क्या साजिश हुई है पर्दे के पीछे? तो जब आर्मी खुले तौर पर यूएसए के साथ खड़ी हुई है तो चाइना उतना कुछ कर नहीं सकता, जब एक बड़ा गुंडा बैठा हुआ है तो छोटा गुंडा उतना कुछ कर नहीं सकता। ये होता है छोटे देशों के साथ या इस तरह के देशों के साथ। मालदीव में भी यही हुआ है, चाइना ने पूरा मालदीव गड़बड़ा दिया, श्रीलंका बर्बाद कर दिया, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश करी थी लेकिन शेख हसीना की बुद्धिमत्ता के कारण बच गया बांग्लादेश, म्यांमार बर्बाद कर दिया। अब जब सब जगह बर्बादी हो रही है तो आप ये बताइए क्या चाइना भारत में कुछ नहीं करेगा? इसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, पाकिस्तान के हालातों के बीच वहां पर यह कंफर्म लग रहा है कि नवाज शरीफ जैसे तैसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने धमकी दी है कि अगर गड़बड़ी करी या हमारे पार्टी के नेताओं को या हमारे समर्थित नेताओं को इधर उधर करने की कोशिश करी, नतीजों में हेर फेर करने की कोशिश करी तो जनता सड़कों पर आ जाएगी। इमरान खान के सपोर्टर्स ने या उनके जो सपोर्टेड MPs हैं या नेता हैं उन्होंने ये बात कही है। अब इमरान खान जेल में तो इसका मतलब थोड़ी कि कोई उनकी संदेश पहुंच ही नहीं सकता, कहीं पहुंच सकता है जब AI से उनका वीडियो आ सकता है। तो पाकिस्तान में अगर जनता फिर से सड़कों पर आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जनता ने ऑपरेशन चला दिया है अपना, उधर गिलगित बाल्टिस्तान के लोग धीरे धीरे मार्च करते हुए पंजाब की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ। और इधर अगर जनता सड़कों पर आ गई तो पाकिस्तान बहुत ही फ्रेजाइल स्थिति में आ जाएगा, फ्रेजाइल मतलब बहुत टूटने या बहुत कमजोर वाली स्थिति पर आ जाएगा, क्योंकि आर्मी अपना कंट्रोल खो चुकी होगी, प्रधानमंत्री कोई है नहीं वहां पे, जनता सड़कों पे है, यूएसए चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्या करेगा, मिसाइल थोड़ी बरसाएगा। और चाइना ऐसी स्थिति में अपना दखलंदाजी वहां पर दे देगा और किसी भी तरह से यूएसए को वहां पर से हटाएगा। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा ग्राउंड है इस वक्त चर्चा के लिए, होता ना पड़ोस में कुछ हो रहा होता है थोड़ा मजे ले लेते हैं हम लोग, तो पाकिस्तान की चर्चा तो हम इसलिए करते हैं, बाकी थोड़ा बहुत अपडेट भी रहते हैं। ठीक है, तो अभी यही खबर है इसमें, और कुछ अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, कोई और इनसाइट्स मिलेगी तो जरूर बताऊंगा। अभी क्या है कि जितनी खबरें अखबार में आ रही हैं या पाकिस्तान की मीडिया चैनल को देख के पता चल रही हैं या पाकिस्तान के पत्रकारों को देख करके पता चल रही हैं, सुन करके पता चल रही हैं, उसी को इन्फर कर पा रहे हैं हम, बाकी विद द टाइम ही पता चलेगा कि होता क्या है। पूरे रिजल्ट्स आने भी बाकी हैं, उसके बाद सत्ता कैसे किस तरफ करवट लेगी देखना बाकी है, ये इंडिपेंडेंट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे देखना बाकी है, और इमरान खान के सपोर्टर क्या करेंगे देखना बाकी है। तो पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार।